से अगर कोई कुत्ता बिल्ली भी चुनाव पर खड़ा हो जाए ना तो उसे वोट दे देना, अगली बार बीजेपी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हमारी भावनाओं के साथ खेल रहे हो गाइस। फिर से आज की इस वीडियो में एक बहुत बड़ी न्यूज के बारे में बात करेंगे गाइस। इस टीचर ने बीजेपी सरकार को बिना कुछ सोचे समझे बीजेपी सरकार पर बहुत बुरी तरह भड़क गए। अब गाइस हुआ क्या था, चलो मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ। इंदौर में बीजेपी सरकार ने एक बोर्ड लगा रखा है जिस पे ये लिखा हुआ है, सरकारी नौकरी से मिला मुझे रोजगार, मैं हूँ शिवराज का परिवार। अब गाइस आप लोग शिवराज सिंह चौहान को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे जो कि मध्य प्रदेश के सीएम है। अब ये टीचर बीजेपी सरकार पर इसलिए भड़के क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार का ये कहना है सरकारी नौकरी में 1,00,000 भारतीय का लक्ष्य हमने पूरा कर दिया है। और इन टीचर का ये कहना है कि तुमने 30,000 नौकरी भी नहीं दी होगी। और इन टीचर ने ये कहा कि अगर 30,000 से ज्यादा निकल गई तो मुझे जेल के अंदर डाल देना। गाइस इन टीचर ने मध्य प्रदेश के लोगों को ये कहा कि गलियों के कुत्ते बिल्ली को वोट दे देना लेकिन बीजेपी सरकार को वोट मत देना। गाइस इन टीचर बीजेपी सरकार पर पूरे भड़के हुए हैं, इन्होंने क्या कहा आप लोग एक बार इनसे भी कुछ सुन लीजिए। इस बार जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो और तुम्हारे गली मोहल्ले से अगर कोई कुत्ता बिल्ली भी चुनाव पर खड़ा हो जाए ना तो उसे वोट दे देना लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को वोट मत देना। और ये इंदौर में देखो इतना बड़ा बोर्ड लगा लगाकर ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सरकारी नौकरी से मिला मुझे रोजगार, मैं हूं शिवराज का परिवार। ये शिवराज के परिवार से कोई होगा क्योंकि शिवराज ने तो कोई भर्ती ऐसी निकाल में 3-4 बजे एक छात्र का मैसेज आया, वो बताने से भी मुझे डर लगता है। बच्चे का मैसेज था कि सर मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे, क्या इस साल भी सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं आएगी। सुबह में उठा, मैंने उसका मैसेज पढ़ा और घबरा कर उसको तुरंत कॉल किया। उससे कहा कि नहीं, तुम इतना नकारात्मक मत सोचो, सकारात्मक है। ये सरकार खुद तो झूठी है और हम शिक्षकों को भी झूठा कर रखा है। ये देखो क्या है, सरकारी नौकरियों में 1,00,000 भर्तियों का लक्ष्य हमने पूरा कर लिया। ये मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को मेरा चैलेंज है, अगर तुम 30,000 भर्तियों 30,000 पदों पर भी तुमने परीक्षा कराकर अगर नियुक्ति दी हो तो मुझे जेल में डाल देना। और मैं बता रहा हूं हल्के में मत लेना, हम लोग 20,00,000 विद्यार्थी नहीं 20,00,000 परिवार है। इस बार बीजेपी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बच्चे सीवियर डिप्रेशन में है और तुम ऐसे प्रचार प्रसार करके हमारी भावनाओं के साथ खेल रहे हो। अब गाइस आप लोग इन टीचर के बारे में क्या कहना चाहोगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ऐसी न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।